हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया व्हाट्सएप का जो अल्टरनेटिव आया है, यानी कि संदेश ऐप। संदेश ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट्सएप का विकल्प है और जो लोगो भी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का है और इंडिया की ऐप है, मेक इन इंडिया है, तो मेड इन इंडिया है। तो फिर जो कलर है वो भी अपने इंडियन फ्लैग के हैं, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, आपको चारों ही कलर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। संदेश, जिसका कि इंग्लिश में जो होता है मैसेज, उसी का हिंदी वर्जन है संदेश, ये नाम इसीलिए रखा गया है। तो इस अल्टरनेटिव के बारे में जान लेते हैं आज के इस वीडियो में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ खास बातें हैं, कब से लॉन्च हो रहा है और क्या विशेषता इसमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, तो व्हाट्सएप के आपने डाटा प्राइवेसी के जब नियम बदला था तो कितना बवाल हुआ था और क्या क्या प्राइवेसी नियम थे वो आप सभी ने देखे ही होंगे। तो यूजर्स के डाटा को फेसबुक के साथ शेयर किया जाना था, बेसिकली प्राइवेसी जो नोटिस था वो ये था। तो उसके काफी सारे विरोध हुए और उस विरोध के बाद ही कंपनी ने उस अपडेट को कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन भारत में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी उचित कानून नहीं है, तो भारत का डाटा सुरक्षित रहे यह सुनिश्चित करना भारत सरकार का ही काम है। तो एक विकल्प लेकर वो सामने आई है कि जिसके जरिए हम संदेश मैसेजिंग ऐप, इसकी टेस्टिंग हो रही है, तो व्हाट्सएप की जगह हम संदेश ऐप को यूज कर सके। अभी आप देखेंगे कि तो बहुत सारी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस है वो हो रही हैं इंडिया के अंदर। तो जैसे ट्विटर है, ट्विटर के लिए भी कू ऐप, और जैसे कि हमारा टिकटॉक चला गया तो उसी के लिए रोपोसो और भी काफी चिंगारी ऐप, तो इस तरीके की एप्स बहुत सारी इंडिया वर्जन आ चुके हैं। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव देखा जा रहा है संदेश ऐप। तो ये ऐप ऑलरेडी तैयार हो चुका है, मंत्रालय द्वारा टेस्ट किया जा चुका है। तो ऐप कंपनी मैशेबल के अनुसार संदेश ऐप का इस्तेमाल केवल कुछ सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रहेगा। इसका आधिकारिक रोल आउट अभी भारत में कब होगा इसकी अभी जानकारी नहीं है, यानी कि जो कि सरकारी अधिकारी हैं वो इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है। तो जब पूरे भारत पे इसका जो एक तरीके से पूरा वर्जन लॉन्च हो जाएगा वो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आप चाहें तो इस ऐप को gims.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और App Store दोनों पर ही आपको मिल जाएगी। तो gims.gov.in की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहां पर आपको ये ऐप दिखेगा, उसमें अशोक चक्र का लोगो देखा जा सकता है और इस ऐप के तीन लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स मिलकर एक तिरंगा बनाते हैं और अशोक चक्र इसके बीच में है। तो इस ऐप का लोगो व्हाट्सएप की तरह ही दिखता है लेकिन ये डार्क ग्रीन है। ये आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का लोगो इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से ये छोटा सा था और यहाँ पे ये निशान था, इसी तरीके के व्हाट्सएप के लोगो की तरह इसको बनाया गया है। तीनों लेयर मिला के अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ट्राई कलर्स हैं हमारे इंडिया फ्लैग के, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जैसे ही ये ऐप आ जाएगी क्या क्या फीचर्स होंगे वो वीडियो भी हम आप लोगों तक जरूर लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।